प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी की त्वरित पहचान योजना के तहत मैकेनिकल शॉप के ठेका श्रमिक पुरस्कृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा नुआगांव ब्लॉक में सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। बड़ जोजोड़ा जीपी का हारूगढ़ा नृत्य दल चैंपियन। और सेल आरएसपी द्वारा विशेष अभियान 3.0 पूरे जोरों पर, कई स्वच्छता अभियान आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैकेनिकल शॉप के सम्मेलन कक्ष में 3 अक्टूबर को त्वरित पहचान योजना के तहत एक विशेष पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री आर एन राजेंद्रन इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मैकेनिकल शॉप में लगे मेसर्स पोनिया इंटरप्राइजेस के 29 ठेका श्रमिकों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी डिजाइन शॉप्स मैकेनिकल शॉप एवं फाउंड्री श्री शेखर नारायण, महाप्रबंधक कार्मिक श्री एस मेहरोत्रा और शॉप्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं संबंधित ठेकेदार उपस्थित थे। श्री राजेंद्रन ने पुरस्कार विजेताओं के प्रयास और कड़ी मेहनत की सराहना की और उन्हें संयंत्र की समग्र उत्पादकता में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री शेखर नारायण और श्री एस मेहरोत्रा ने भी ठेका श्रमिकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उल्लेखनीय है कि ठेका श्रमिकों को HSM 2 विभाग के अनकॉयलर मैंड्रिल की मरम्मत और प्लेट मिल के यूनिवर्सल स्पंडल में इन सीटू की स्लॉट मशीनिंग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। मेसर्स पोनिया इंटरप्राइजेस के इन ठेकेदार श्रमिकों ने नई हॉट स्ट्रिप मिल और प्लेट मिल के डाउन टाइम को बचाया। उपरोक्त कार्यों को समय पर पूरा करने से संयंत्र को पर्याप्त बचत हुई। सहायक महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री KR मिश्र ने पुरस्कार समारोह का संचालन किया, जबकि सहायक प्रबंधक मैकेनिकल शॉप श्री SK महंती ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के CSR विभाग द्वारा 10 अक्टूबर को बागडेगा गांव में आयोजित सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव की जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में नुआगांव ब्लॉक के विभिन्न गांवों के 30 नृत्य दलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। RSP के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्र समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्य महाप्रबंधक TA एवं CSR श्री PK स्वाई समारोह के सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री AN पति, स्थानीय सरपंच CSR के अन्य अधिकारी, SHG ग्रुप के सदस्य और गांव के अगुवे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्र ने विजेताओं के साथ साथ कार्यक्रम में भाग लेने वालों को भी बधाई दी और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए RSP के CSR विभाग के प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि ने नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किए। बड़ जोजोड़ा ग्राम पंचायत का हारूगढ़ा नृत्य दल नुआगांव ब्लॉक नृत्य महोत्सव का चैंपियन बनकर उभरी और 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और चैंपियन ट्रॉफी जीती। केरकेरा खरवा टोला नृत्य मंडली ने दूसरा पुरस्कार जीता, जिसमें 8,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी शामिल थी। तीसरा पुरस्कार, जिसमें 6,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी, दोलेंग सेरा नृत्य समूह को प्रदान की गई। इस अवसर पर निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। शेष भाग लेने वाली प्रत्येक मंडली को 2,500 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। यह कार्यक्रम RSP के CSR विभाग द्वारा बागडेगा गांव के बढ़ईपड़ा टोले के रीना स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आयोजित किया गया था। सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री TB टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ फील्ड असिस्टेंट CSR श्री B एक्का ने मंच संचालन किया। इस कार्यक्रम का संचालन RSP की CSR टीम द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने नृत्य महोत्सव का लुत्फ उठाया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए
विशेष अभियान 3.0 के तहत सक्रिय रूप से स्वच्छता अभियान चला रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और स्टील टाउनशिप सहित संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों को आगे बढ़ाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 5 में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी ब्लास्ट फर्नेस श्री पी के महापात्र ने किया। विभाग के ठेका श्रमिकों सहित 25 कर्मचारियों द्वारा कार्यालय भवन के आसपास सफाई की गई। सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री पलाश कांति सरकार ने अभियान का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी के अन्य विभागों जैसे एचआरडी सेंटर, न्यू प्लेट मिल, स्टील मेल्टिंग शॉप 1, स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप और कैल्सनिंग प्लांट 2 ने भी 3.0 के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत कार्यालय के भीतर सफाई के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है और अनावश्यक फाइलों को व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है। यह प्रयास स्वच्छ और अधिक संगठित वातावरण को बढ़ावा देने में आरएसपी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के साथ इस्पात शहर में भी व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।